ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चे ओंकाराय नमो नमः। एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल पर आज पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मोटापा घटाइए, सेहत बढ़ाइए, इस श्रृंखलाबद्ध वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं हाथों में चर्बी कैसे कम की जाए, बाहों की चर्बी कैसे कम की जाए। जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें काफ़ी प्रयोग बताए, आज कुछ हम नए प्रयोग लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं। दोनों हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, बाहें कानों से स्पर्श, दृष्टि सम्मुख, अरहम मुद्रा, यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः स्थिति में आए। इस क्रिया को आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। प्रयोग नंबर 2, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाएं, दोनों हाथों को हथेलियों से खोल दीजिए, सिद्ध शिला की आकृति, पुस्तक की तरह दोनों हाथों को खोल दें। हाथ की अंगुलियों से लेकर कंधों तक पूरा दोनों हाथ प्रभावित होते हैं इससे। सिद्ध मुद्रा, यथाशक्ति रुकने का प्रयास। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे की ओर आए। इसे भी आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। एक थी अरहम मुद्रा, एक थी सिद्ध मुद्रा। अब हम कर रहे हैं हाथों की और एक्सरसाइज, जिससे बाहों की चर्बी आराम से कम हो सकती है। दोनों हाथ सामने फैलाएं, दोनों मुट्ठियों को बंद करें, मुट्ठियों को मिला दीजिए। अब इसको गोलाकार घुमाइए, कलाई से गोल गोल, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। संपन्न, राइट हाथ सामने की ओर रखें, पूरे सभी अंगुलियों को खोल दें, अंगूठा सीधी रेखा में, स्मॉल फिंगर सीधी रेखा में, डमरू की तरह हाथ को बजाना है। जिस तरह हम डमरू बजता है उसी तरह इसका नाम है डमरू मुद्रा, इससे पूरा हाथ प्रभावित होता है। इस तरह श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं, पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आए। एक बार और ले जाए ऊपर, नीचे लाए, एक बार और धीरे धीरे नीचे लाए। यही क्रिया लेफ्ट हाथ से दोहराए, श्वास भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। आप यथाशक्ति करें, जितना हो सके उतना करें। पुनः एक बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यह मुद्रा से, डमरू मुद्रा से पूरा हाथ प्रभावित होता है। इससे फ्रोजन शोल्डर भी ठीक होता है और बाहों की चर्बी भी कम होती है। अभी हमने जो डमरू मुद्रा एक एक हाथ से की थी, अब दोनों हाथों से हम एक साथ कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने फैलाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसा 3 बार करें। संपन्न, यथाशक्ति आप 3 से 5 बार कर सकते हैं तो इससे चर्बी अच्छे ढंग से कम होती है और अपनी इच्छा अनुसार अपन स्लिम बॉडी से बना सकते हैं। अब हाथों की और एक्सरसाइज है। दोनों हाथ कंधों के समानांतर फैलाएं, मुट्ठी बंद करें, हाथ को उल्टा करें और ये श्वास के साथ भी कर सकते हैं, बस कपाल भाती के साथ भी कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को कंधों से टच करें, संपन्न। श्वास के साथ कपाल भाती के साथ और भी प्रयोग कर सकते हैं।
हाथों की आकृति बनाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे की ओर फैलाएं, कपाल भाति। संपन्न। अब पीछे की ओर लाते हुए केवल श्वास छोड़ना है, फैलाएं हाथ। संपन्न। अब दोनों कोहनियों को ऐसे रखिए घुटनों पर और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को कंधों से टच। संपन्न। इसके लिए उत्थित पद्मासन भी अच्छा है, इससे भी बाहों की चर्बी कम होती है। ये पद्मासन में बैठिए, पहले आप दोनों हाथों को हथेलियों को साइड में लगा दीजिए और शरीर को उठाइए, इससे हाथों पर अच्छा वजन आता है और हाथ की चर्बी कम होती इस ढंग से, और इसमें झूला भी झूल सकते हैं हम। संपन्न। ये थी हाथों की एक्सरसाइज, हाथों की चर्बी कम करने की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप नियमित करके अपने हाथों की चर्बी कम कर सकते हैं और हाथों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम इससे दूर हो सकती है। सब्सक्राइब करें एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल को, जिससे आप बीमारियों से रिलेटेड अनेक वीडियो घर बैठे आपको प्राप्त हो सके और जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य में 4 चांद लगा सके। इन वीडियो को अधिक से अधिक आगे से आगे शेयर करें।